हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष पाटीदार गुरुकुल एग्री एकेडमी के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्वार्ड्स नोटिफिकेशन 2020-21 के बारे में बात करेंगे, जिसके एडमिशन के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपने गुरुकुल एग्री एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको आप सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एग्रीकल्चर की नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलती रहेगी। जिस भी स्टूडेंट्स को MPPAT के लिए, ICAR के लिए और BHU के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो गुरुकुल एग्री एकेडमी PDF नोट्स अवेलेबल करवा रही है, जिसमें आपके PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एग्रीकल्चर ग्रुप के नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। जिस भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। यह वीडियो मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेकर आया हूँ। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम लग रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्वार्ड्स एग्जाम नोटिफिकेशन, जिसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। इस बार एडमिशन का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार स्वार्ड्स में एग्जाम नहीं होगी, आपको सीधे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है जिसमें कोई भी एग्जाम नहीं होती है। डायरेक्ट एडमिशन में आपकी काउंसलिंग होगी। चलिए हम स्वार्ड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। सिंग हैंगिंग बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SHUATS, सर्विस पब्लिक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, जो आपकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यह इसका पुराना नाम जो था वो आपका था इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। इसमें कौन कौन सी फैकल्टीज होती है, तो इसमें टोटल 7 फैकल्टीज हैं, जिसमें साइंस फैकल्टी, थियोलॉजी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड हेल्थ साइंस, जिसमें आपके 60 एकेडमिक डिपार्टमेंट है और आपके 15 कॉन्स्टिट्यूट स्कूल्स चल रहे हैं आपके। इसमें 4 एडवांस रिसर्च सेंटर हैं। यूनिवर्सिटी जो कोर्स ऑफर करती है, 42 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 100 एंड 100 प्लस में आपके दे रखे हैं PG प्रोग्राम्स, जिसमें 16 डिप्लोमा प्रोग्राम्स है एंड PhD के भी प्रोग्राम्स वहां पर चलाए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एक इसमें अगर देखा जाए तो ओपन काउंसलिंग, ओपन ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। मीन्स इसका मतलब आप पहले समझना आपको चाहिए, ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है। आपके 10th 12th और आपके पास अगर अदर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हैं तो उसकी मार्किंग, उसके परसेंटेज की मार्किंग को देखते हुए आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको BSc एग्रीकल्चर में या MSc एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं admission@shuats.edu.in। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 0831851722। एक और नंबर आपका दे रखा है 0860488754। ये जो आपका टाइमिंग, इसका जो कॉल करने का जो ड्यूरेशन टाइम दे रखा है वो 10 AM to 5 PM के अक्रॉक्स में दे रखा है, मंडे टू फ्राइडे। देन नीचे मैंने आपको लिंक भी दे रखी है, आप इस लिंक को भी कॉपी करके जो इनका जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप उसको, जो आपका एडमिशन की जो प्रोसेस है, आप वहाँ भी उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या प्रोसीजर होती है। दे रखा है एडमिशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोग्राम्स BPharma एंड DPharma थ्रू मेरिट लिस्ट। तो हमें एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोग्राम से मतलब होता है, पहले इसको समझेंगे। टोटल कितनी स्टेप होती है, टोटल 4 स्टेप में आपके होंगे। फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और फोर्थ स्टेप जो होगी उसमें आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है उसको आपको पे करना होगा। तो इसमें दे रखा है कि फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन। सबसे पहले, पहली स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा,
सेकंड स्टेप में दे रखा गिव योर प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम अंडर टेबल नंबर 1.1 और 1.2 अपलोड 10th 12th यूजी मार्कशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये कि आपको 10th और 12th और जो भी अगर आप जो बच्चा यूजी के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करना होगी, और ऐसे स्टूडेंट्स जो पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 10th 12th और यूजी जो बीएससी एग्रीकल्चर की मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगी। थर्ड स्टेप में दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट यहां पर बन जाएगी, लॉग इन ऑन द डेट अलॉटेड फॉर चॉइस फिलिंग के लिए आपकी डेट आएगी, फिल इन योर चॉइस ऑफ प्रोग्राम, आपको कौन सा प्रोग्राम करना लेना है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग या आपकी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, तो ये प्रोग्राम आपको इसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होती है। प्रोग्राम विल बी अलॉटेड एज पर मेरिट, यहाँ पर जो आपकी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम अलॉटमेंट होंगे। चॉइस फिल्ड इन एन एबिलिटी ऑफ सीट इन दी प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपकी चॉइस फिलिंग करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको अलॉटमेंट करेगी। देन फोर्थ स्टेप में आपका दे रखा है कि लॉगिन करने के बाद आपको अगर आपका आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बीएससी एग्रीकल्चर मेरा एडमिशन हो चुका है तो आपको उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, 48 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सीट को सिक्योर करना पड़ेगा जिसमें आपको फीस जो भी है उनकी वो पे करना होगी, इस तरह से आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको मैंने बता दिए, चार स्टेप में आपका ये पूरी प्रोसेस होगी और जो काउंसलिंग होगी वो चार स्टेप में आपकी काउंसलिंग होगी। देन कौन कौन से यूजी प्रोग्राम में आपको एडमिशन, अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में मैं आपको सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही कोर्सेज को बता रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी में अदर कोर्सेज भी होते हैं। देन एग्रीकल्चर में पीजी कोर्सेज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, आप एग्रोनॉमी से एमएससी एजी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इस तरह से आपके जो डिपार्टमेंट हैं वो दे रखे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। अगर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक के लिए आप एमटेक कर सकते हैं, एमटेक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग होता है, इरीगेशन आपका सॉरी आपका बीटेक एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसमें सॉइल वाटर कंजर्वेशन एंड इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आपका यूजी कोर्सेस और पीजी कोर्सेस इंक्लूड होते हैं, आपको चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सीक्वेंस वाइज जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो सीक्वेंस वाइज मैंने इसमें दे रखा है, जैसे सबसे पहले आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहिए, देन बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देन मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का मतलब होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए जो एडमिशन लेंगे उनकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो हमें समझना चाहिए। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी है कि मेरिट लिस्ट क्वेश्चंस एंड जनरल मेरिट लिस्टेड सेल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मार्क्स एंड परसेंटेज ऑप्टेन इन, जो मार्क्स आपको परसेंटेज ऑप्टेन होंगे या ऑप्टेन हो चुके हैं 10th में, 12th में, यूजी में फॉर पीजी प्रोग्राम, ये पीजी प्रोग्राम का दे रखा है, एंड आल्सो ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ऑन द कैंडिडेट विद द फॉलोइंग वेटेज। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसमें क्रिश्चियंस की जो आपका एक उनका जो जनरल होता है एक जनरल मेरिट लिस्ट होगी और एक क्रिश्चियंस की जो होती है 50% जनरल का और 50% आपका क्रिश्चियंस का होता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जो टोटल वेटेज होगा ये यूजी प्रोग्राम के लिए है जिसमें आपके वेटेज ऑन 12th जो 12th की मार्कशीट है उसका 65% आपका नंबर काउंट होगा, 10th के लिए आपका 30% नंबर काउंट होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे फॉर एग्जांपल एनसीसी एनएसएस हैं तो उसका 2.5% आपका नंबर काउंट होगा। वेटेज ऑन स्पोर्ट्स एक्सलेंस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, अगर आपके पास कुछ अदर स्पोर्ट्स में हैं आप या कल्चरल एक्टिविटीज़ है तो उसका 2.5% आपका नंबर काउंट होगा। इस तरह से जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी अंडर ग्रेजुएट के लिए यूजी के लिए वो 100% होगी जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपका 12th का परसेंटेज दे रखा 65%। इसी तरह है आपका
पीजी का दे रखा है मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, जिनको जिनकी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो चुकी है, जो एमएससी एग्रीकल्चर में या एमएससी एजी करना चाहते हैं तो उनके लिए इसमें दे रखा है। सेम वही चीज़ मैं ऑलरेडी इसमें पहले बता चुका हूँ कि 10th के परसेंट, 12th के परसेंट और यूजी जो बीएससी एग्रीकल्चर के, सभी के परसेंट इसमें काउंट होंगे। ये काउंट होने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको अलॉटमेंट मिलेगा, जिसमें सेम वही दे रखा है, ये बीएससी एग्रीकल्चर जो जिनका कंप्लीट हो चुका है, जो एमएससी एजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वेटेज ऑन यूजी, अगर बीएससी एग्रीकल्चर में उनका परसेंट अच्छा है तो उसके लिए कितना 65% उनका नंबर काउंट होगा, वेटेज ऑन 12th, 12th का 30%। तो इस तरह से आप देख सकते हो 85% आपका 12th और यूजी से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका एनसीसी एनएसएस है तो उसका 2.5%, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या कल्चर एक्टिविटीज में हैं तो 2.5% उसका नंबर काउंट होगा। तो इस तरह से 100% आपका टोटल नंबर काउंट होगा, जिस हिसाब से आपकी, जिसमें आपका ज्यादा परफॉर्मेंस, जिस भी स्टूडेंट्स का ज्यादा परफॉर्मेंस होगा, जिसके मार्क्स परसेंट अच्छे होंगे, तो उसका एडमिशन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस जो है इसमें आपकी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो एमएससी एजी के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम दोनों की ही फीस जो अमाउंट है वो आपकी सेम दे रखी है, 1500, 1500 रुपये इसकी फीस दे रखी है, तो इसको आप देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन काउंसलिंग, अब ये ऑनलाइन काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है तो इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको लास्ट डेट के बारे में बताऊंगा, आप अप्लाई कर सकते हैं यूजी प्रोग्राम के लिए और पीजी प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपकी यूजी प्रोग्राम की जो लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो 26/07/2020 दे रखी है, मतलब आपकी 26 जुलाई लास्ट डेट है। और पीजी के लिए जो लास्ट अप्लाई करने की जो डेट है वो आपकी 20 अगस्त दे रखी है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, पीजी वालों के लिए काफी ज्यादा टाइम दे रखा है पर यूजी वालों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कब कैसे क्या होगा। सबसे पहले दे रखा है आपका प्रोसीजर क्या है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर यूजी प्रोग्राम, मतलब जो भी ऐसे बच्चे जो यूजी बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट दे रखी है आपकी 26 जुलाई, ठीक है। सेकंड दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर किसी बच्चे को 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में कुछ करेक्शन करना है, अपडेट करना है, एंड मार्कशीट अपलोडिंग, मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगी, तो उसका जो टाइम दे रखा है आपका 26 जुलाई के बीच में आपको ये कंप्लीट, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है और आपको जो आपकी 10th की 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करना होगी। थर्ड में आपका दे रखा है रिलीज ऑफ यूजी मेरिट लिस्ट, सबसे पहले जो यूजी की जो मेरिट लिस्ट होगी जिसमें दे रखा है क्रिश्चियंस कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी इन दी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सबसे पहले मैं आपको एक बात चीज क्लियर कर देता हूं, ऐसे बच्चे जो आपकी जनरल ओबीसी एससी एसटी जो चारों कैटेगरी में आते हैं, यहां पर आपका ओपन होगा जिसमें आपके सभी चारों बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, एंड आपका जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन दे रखा है वो 50% है और इसमें आप जो क्रिश्चियंस कैटेगरी का दे रखा है वो 50% मींस यहां पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली एडमिशन नहीं होगा। सभी कैटेगरी का जो चारों कैटेगरी है उनका आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ही एडमिशन मिलेगा। आप इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये जो दे रखा है आपका, इसमें जो रिलीज होगा यूजी के मेरिट लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने 26 जुलाई को फॉर्म फिल कर दिया तो आपको 3 अगस्त को आपको यूजी की एक मेरिट लिस्ट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। जिन भी बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वो आपकी चॉइस फिलिंग उनको करना पड़ेगी। आगे दे रखा है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो दे रखा है 5 अगस्त के आसपास इसकी डेट दे रखी है, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दे रखा है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर क्रिश्चियंस कैटेगरी। अब हमको चॉइस फिलिंग करना है, हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है बट हमें चॉइस फिलिंग करना है, तो यहां पर 2 कैटेगरी है आपकी, क्रिश्चियंस के जो कैटेगरी है जो यूजी मेरिट लिस्ट दे रखी है उनका दे रखा आपका 5 अगस्त को, ठीक है। देन आपकी दे रखी है ऑनलाइन फीस सबमिशंस फॉर क्रिश्चियन कैटेगरी जो यूजी मेरिट लिस्ट में, उनको 7 और 8 अगस्त के बीच में जो भी उनकी ऑनलाइन फीस जो होती है वो आपको पे करना होगी। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, काम की बात हमारे लिए ये है। अब ऑनलाइन जो फिलिंग, चॉइस फिलिंग होगी जो जनरल कैटेगरी के लिए है, जिनकी मेरिट लिस्ट, जिनका मेरिट में नंबर अगर 1 से 500 के बीच में आ रहा है
तो उनको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग किसी किस दिन करना है, 10 अगस्त को करना होती है। ऑनलाइन उनकी जो फीस, आपकी जो फीस होगी जनरल कैटेगरी की, जो ऑलरेडी 1 से 500 मेरिट लिस्ट में आ गए, तो 12 और 13 अगस्त को उनको क्या करना है, जो एक ऑनलाइन फीस है वो आपको पे करना है। देन इसी के बाद इसमें दे रखा है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब ऐसे बच्चे जिनकी मेरिट में 500 एक से 1500 के बीच में रैंक आई है, तो उनको आपको चॉइस फिलिंग कब करना होगी, 14 अगस्त को आपके चॉइस फिलिंग करना होगी। और उनको फीस कब पे करना होगी, उनको जो फीस पे करना होगी 17 से 18 अगस्त को उनको जनरल कैटेगरी में, ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 501 से 1500 के बीच में है उनको आपको जो फीस पे करना होती है वो होगी 15 से 18 अगस्त के बीच में। देन इसमें दे रखा है सेम वही ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है, ऐसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी में है और जिनकी यूजी की मेरिट लिस्ट कितनी है, 1501 से लेकर 2500 के बीच में जो आ रहे, तो उनको चॉइस फिलिंग करना होगी 19 अगस्त को। और उनकी जो उनको जो फीस ऑनलाइन फीस पे करना है, जो सबमिशन करना होता है जनरल कैटेगरी के लिए, उनको करना है 21 से 22 अगस्त को। देन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर जनरल कैटेगरी यूजी मेरिट नंबर 2501 ऑनवर्ड एंड एनी लेफ्ट आउट फ्रॉम अर्लियर मैरिट, ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी या किसी मेरिट लिस्ट से आउट हो चुके हैं या पहले नहीं कर पाए, तो वो आपको सबसे लास्ट में करेंगे, 24 अगस्त को वो कर लोग करेंगे, और उनकी जो फीस वो आपकी 26 से 27 अगस्त को दे रखी। तो इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसीजर समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग कब करेंगे, फीस हम कब पे करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल पहले ही माइंड सेट करके बैठे हैं कि नहीं हमें तो स्वार्ट्स में या सीआरस में एडमिशन लेना है, तो वो इसको समझ सकते हैं। देन नंबर ऑफ सीट इन यूजी प्रोग्राम, यूजी प्रोग्राम में टोटल कितने नंबर ऑफ सीट है, बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चर है उसमें आईसीआर की जो सीट है 45 है, स्वार्ट्स की जो सीट है जिसमें आपको एडमिशन होंगे वो 255, और टोटल जो सीट होती है वो आपकी 300 सीट दे रखी। अब इसमें कौन से ऐसे बच्चे जो एलिजिबल हैं, जिनके पास 10+12 मतलब टोटल 12th में पीसीएम होगा या पीसीबी होगा या पीसीएमबी या इंटर एग्रीकल्चर, जिनके पास एग्रीकल्चर है, तो इस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए दे रखा है, बट इसमें सीट कम होती है, आईसीआर की जो सीट होती है वो 18 सीट होती है, स्वार्ट्स की जो सीट होती है वो 102 सीट होती है, और टोटल जो सीट होती है वो 120 होती है। इसके अलावा बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक फूड, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग और भी होता है, बट मैंने उनका इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, देन बीएससी हॉर्टिकल्चर होती है। फीस, फी की स्ट्रक्चर की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कोर्स अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको पर सेमेस्टर जो फीस होगी वो 51,000 रुपये, 51,000 आपकी पर सेमेस्टर की फीस होगी। टोटल सेमेस्टर कितने होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है कितने ईयर की होती है, 4 साल की होती है। और टोटल डिग्री प्रोग्राम में जो टोटल फीस आपको पे करना होगी, 4,08,000 रुपये आपको पे करना होगी। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों की सेम फीस है, टोटल सेमेस्टर भी सेम ही है, और टोटल जो डिग्री प्रोग्राम की जो फीस है वो भी सेम है। थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, 10,000 इसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कैरिकुलर एक्टिविटीज होती है शायद हो सकता है उनकी भी फीस इसमें इंक्लूड ना हो। इस तरह से मैंने आपको स्वार्ट्स के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।